आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं टैबलू में, टैबलू डेटा विजुलाइजेशन टूल्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे तीन चीजें। पहले हम बात करेंगे सॉर्ट, दूसरी बात करेंगे हम पैरामीटर्स, और तीसरी बात करेंगे सेल्स। ये थोड़ा फिल्टर से ही रिलेटेड, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने फिल्टर किया था तो उसी चीज से रिलेटेड है। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक डेटा को कनेक्ट करेंगे। एक मिनट टैबलू, तो जैसे कि आप फिल्टर लगाते थे लैब में, तो क्या होता है कि फिल्टर में अगर आप चेंज करके आपने फिल्टर बना लिया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब जिसको आप दे रहे हैं यूज करने के लिए, जो इस रिपोर्ट को देख रहा है, अगर उसको कुछ चेंज करना हुआ तो कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक डेटा कनेक्ट किया है, उसमें मान लीजिए हम डेटा वाले शीट को रखते हैं ड्रॉप डाउन। तो यह हमारा डेटा आ गया, इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। तो पहले ही हमारा है वो है शॉर्ट, तो हम पहले बात कर रहे हैं शॉर्ट के ऊपर, ठीक है। अब शॉर्ट में जैसे कि हम मान लीजिए कि हमने डेटा अननेमड हमने क्वांटिटी को लिया और इसको ले लिया, तो नेम क्वांटिटी आपके सामने दिख रही है और शो मी से बाई जी डिफॉल्ट लग गया है, अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं, ठीक है। जी तो कैसे शॉर्ट करेंगे? शॉर्ट करने का तरीका आपको जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ऊपर दिख रहा है आपको सर, एक आपका आता है क्विक शॉर्ट, इसको बोलते हैं क्विक शॉर्ट। नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है और साइड में भी आ सकता है, एक्सिस में, अलग अलग चार्ट में अलग अलग तरीके से आता है। ये आपका आ रहा है शॉर्ट बाई क्वांटिटी, दिख गया। ओके अब इसके जी ऊपर हम क्लिक करते हैं ए, तो शॉर्ट यहाँ भी क्वांटिटी एंड विथ इन नेम करके आपको आ रहा है। तो दोनों तरह से आप इस डेटा अपने रिपोर्ट को शॉर्ट कर सकते हो, कि ऐसा शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है। ठीक क्लियर है विदाउट इसमें? नहीं क्लियर है तो ये आपका क्विक शॉर्ट आता है। मैं सोमी को यहां से बंद करता हूँ। दूसरा शॉर्ट है कि आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और आपके सामने यहाँ दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ से भी जी अपने शॉर्ट को कर सकते हो। और ठीक है एक आता है स्वैप, स्वैप मतलब कि मुझे नेम को क्वांटिटी को नीचे रखना है, तो आप ऐसे उठा के तो रख सकते हो इस तरह से, यहाँ नेम को रख दिया, अब क्वांटिटी को मुझे नीचे रखना है। ठीक है, तो इसको स्वैप करना है तो यहां से स्वैप कर सकते ठीक हैं। है ठीक इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू इसका शॉर्टकट होता है, जहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं। इस पर कर्सर रखते हैं आपको शॉर्टकट भी दिख रहा है। रो को कॉलम में, आप कॉलम को इसमें जी शॉर्ट हाँ कर सकते हैं। तीन चीज आपने देखा, पहला आपने एक तो शॉर्ट आपने चार पेज होते हैं क्विक शॉर्ट उसका देखा, एक आपके मेनू बार में शॉर्ट का है उसके जरिए शॉर्ट किया। और होता है जैसे इस पे आप क्लिक, आप जैसे मान लीजिए कि नेम बाय शॉर्ट करना चाहते हो, तो मैं नेम को क्या हाईलाइट करूंगा और फिर शॉर्ट नेम बाय, सॉरी यहाँ नेम को रखा और ओके क्लिक किया और इसको ठीक मैंने शॉर्ट नेम बाइज हुआ, क्वांटिटी पे सिलेक्ट क्लिक करके आप शॉर्ट करोगे तो ये आपका क्वांटिटी होगा। है उसके बाद शॉर्ट में एक तो ये हो गया, लेकिन यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी आपके सामने शॉर्ट है, तो शॉर्ट का इस्तेमाल आप यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो शॉर्ट बाय नेम में आप यहाँ पे शॉर्ट का दिख रहा है आपको कि मैनुअल है, इसमें आप अल्फाबेटिक सेलेक्ट कर ठीक लें, चाहे वो अल्फाबेटिक असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, यहाँ पे आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि शॉर्ट बाय जी फील्ड हो या शॉर्ट बाय मैनुअल हो जी या नेस्टेड हो, समझे, जिसमें आप क्वांटिटी में दो से ज्यादा और सम क्वांटिटी का सम हो या एवरेज के अकॉर्डिंग उसका शॉर्ट होना चाहिए, दिखेगा सम लेकिन एवरेज के अकॉर्डिंग, ठीक है समझे,
या मैक्सिमम का या मिनिमम का अकॉर्डिंग शॉर्ट हो तो इसका यूज आप कर सकते हो। क्लियर है? और शॉर्ट को क्लियर करना क्लियर कर सकते या जो डेटा सोर्स में है उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट वो तो भी आप यहाँ पे देखिए डेटा शॉर्ट के अकॉर्डिंग आप शॉर्ट कर सकते हो। ऐसे आप फील्ड पे जाए तो यहाँ भी आपके सामने सेम है शॉर्ट आपको दिख जाएगा। नहीं डेटा फील्ड के अकॉर्डिंग नहीं है सर शॉर्ट, इसमें शॉर्ट नेम के अकॉर्डिंग होता है, डेटा फील्ड के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं कर सकते आप। नहीं शॉर्ट इसी के अकॉर्डिंग होता है। ओके तो शॉर्ट शॉर्ट समझ में आ गया। हेलो तो शॉर्ट समझ में आ गया ना आपको सर? जी हाँ, शॉर्ट हो गया हमारा थ्री टाइप। ठीक है। अब शॉर्ट के बाद बात करते हैं फिल्टर में पैरामीटर्स की। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्वांटिटी को उठा के यहाँ पर रख दिया, उसका जी मैंने सम यहाँ पे दे दिया, जी ठीक है? और सम जी में हमने यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम रेंज ऑफ वैल्यू एट लीस्ट एट मोस्ट यहाँ पे सॉरी एक काम करता हूँ मैं। ओके मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को रखता हूँ। प्रोडक्ट रखने के बाद टॉप वैल्यू पे सर वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इस पे दिस मुझे। तो इसमें हमने टॉप में बाई फील्ड हमने टॉप 10 लगा के अप्लाई एंड ओके कर दिया तो यहाँ मेरा टॉप 10 का सेल आपको दिख जाएगा, ठीक है? जी टॉप 10 प्रोडक्ट। या मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे टॉप 10 है नाम कम है इसलिए कुछ चेंज नहीं दिखा, लेकिन एडिट फिल्टर में मान लीजिए मैं यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना रिपोर्ट में नेम को हटाता हूँ और नेम के जगह पे हम रखते हैं इसको यहाँ पे स्टेट को। ठीक ठीक है हमने स्टेट को रखा। ठीक अब देख रहे हैं कि स्टेट में आपका कमी आ रहा है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ रिमूव कर दूँ फिल्टर इसमें कई सारे स्टेट हैं क्या सर? मैं यहाँ पे प्रोडक्ट में आता हूँ और प्रोडक्ट में मैं यहाँ देता हूँ टॉप बाय फील्ड और हमने यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब से हमने बोल दिया जी तो यहाँ आपके सामने टॉप 10 जितने भी जो स्टेट है स्टेट के टॉप 10 ही उसने यहाँ पे लिया है यहाँ पे दिख भी रहा है। जी ठीक है तो कहने का मतलब यह है यहाँ पे कि अगर मान मैं प्रोडक्ट के जगह मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे आया और हमने यहाँ पे मैं एडिट में आता हूँ और यहाँ पे मैं क्वांटिटी का सम नहीं हाँ क्वांटिटी का सम ही होगा बाई टॉप बाई बॉटम मैं बॉटम 5 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजिंग होंगे। हो गया ना सर? जी, ये तो फिल्टर में किया था ना हमने। वही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने फिल्टर में कर दिया अब ये डैशबोर्ड पे चला जाएगा। किसी को पता चला कि नहीं मुझे 10 करना है मुझे 20 करना है या टॉप 100 करना है हाउ तो उस केस में यहाँ आप जब एडिट फिल्टर पे गए तो आपने यहाँ पे फिल्टर ले लिया ना यहाँ पे टॉप में यहाँ आपने एक न्यू पैरामीटर देखा होगा।
मैंने क्यों पैरामीटर ओके ले लिया टॉप फाइव, हम यहाँ पे मिनिमम वन और मैक्सिमम मैंने यहाँ पे कर दिया, मान लीजिए 100 है तो 100 कर देता हूँ सेट ऑफ फिल, और हमने करेंट वैल्यू रेंज, और हमने यहाँ पे रेंज ले रखा है, लिस्ट भी कर सकते हैं आप अपना ऐड, या जी रेंज हो गया हमारा ये, तो मिनिमम हमने बोला कि 10 होना चाहिए और मैक्सिमम हमारा होना चाहिए 100, और साइज ऑफ हमने बोल दिया कि 10 का साइज होना चाहिए, गुड, ठीक हमने इसको ओके कर दिया और हम इसको अप्लाई कर दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है सर, जी हाँ पैरामीटर वन दिया, इस पैरामीटर का नाम भी हम चेंज कर सकते हैं, तो जैसे चेंज होगा तो ये आपका एक ये देता है, चेंज होता है, इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं एडिट फिल्टर में आता हूँ, और अब यहाँ पे पैरामीटर क्रिएट पैरामीटर हमारा है, और यहाँ पे पैरामीटर वन, इस पे जगह पे नाम भी चेंज, पैरामीटर का जो नाम है पैरामीटर का नाम चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ एसएलपी स्लैब, और हमने यहाँ बोल दिया है कि यहाँ पे 10 ही होने चाहिए, इंक्रीजमेंट में 1 होना चाहिए, ठीक है एंड ओके एंड अप्लाई एंड ओके। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक अभी का टॉप सबसे टॉप पर सेल्स आ रहा है, दो जी मतलब कि टॉप में दो ले रहा है, देख रहे हैं सर बढ़ रहा है, अब उसी तरह से जी जी मान लीजिए कि मैं यहाँ सेल्स मोड को यह रखता हूँ, और सेल्स मोड में हमने यहाँ पे बाय फिल, और यहाँ पे हमने क्रिएट पैरामीटर कर दिया, ठीक है सॉफ्ट नहीं, मैं एक काम करता हूँ इसमें सेल्स मोड को रखता हूँ, यहाँ पे टॉप स्लिप ये पैरामीटर की बात करता हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ प्रोडक्ट सेल्स मोड ऐसा, और यहाँ भी हम अपने हिसाब से दे देते हैं बाय रेंज या लिस्ट, आप यहाँ पे लिस्ट दे सकते हैं अपना कि ऐड ऐड कर सकते हैं कि एक होगा, तीन होगा, दो होगा, क्या होगा, लिस्ट आप यहाँ पे दे सकते हैं, या ऐड फॉर्म ठीक है फिल, आप फिल से कुछ लिस्ट ऐड करना चाहते हो कोई आप कर सकते हो, कॉपी कर रखे हो तो वहां से आप इसको लेके ओके कर सकते हो एंड अप्लाई एंड ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाता है, जो आप सिलेक्ट करोगे वही आपको यहाँ पे दिखेगा, अच्छा टॉप या कुछ भी जितने हम सेलेक्ट करेंगे उतने ही आ जाएगा, हाँ जो भी सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से दिखेगा, अभी क्यों नहीं आ रहा है? इस क्राइटेरिया में डेटा नहीं है इसलिए नहीं आ रहा, ओके ठीक है, मैं अगर सेल्स मोड हटा दूं तो फिर दिख जाएगा आपका, ओके ठीक है, यहाँ पे चेंज हुआ होगा, तो पैरामीटर होता है कि आप अपने पैरामीटर सेट कर ले, और सेट करने के बाद आप अपना जो लगाना चाहते हो वो लगा सकते हैं, ठीक है, एक मिनट ठीक दीजिएगा सर, एक मिनट, ओके तो चलिए जैसे कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ पे रखा, और मान लीजिए क्वांटिटी को हमने ऊपर रखा, एक रिपोर्ट आपके सामने बनी है, राइट, अब हम प्रोडक्ट के ऊपर ही जाएंगे, और प्रोडक्ट के ऊपर ही जाएंगे, और यहाँ भी आपके सामने क्रिएट क्रिएट में आपको दिखेगा सेट, हम सेट पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे सबसे पहले तो अपने सेट पे दे दीजिए, जैसे हम बोलते हैं मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ठीक है जी, और हमारा जो है वो है एचआरटी एमबी ईटीसी एंड डीबी, बाकी प्रोडक्ट को नहीं रखते हैं,
ठीक और फिर यहाँ पे हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद ठीक यहाँ पे है सेट आपको दिख रहा है, अब इस पे हम क्लिक करके इसमें एक आता है शो शो मेंबर्स है, आ गया एडिट सेट हाइड डिलीट क्रिएट ये पैरामीटर्स। शो फिल्टर ऊपर नहीं है, नहीं मुझे इसको पैरामीटर पे ले जाना है। यहाँ पे मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ तो शो फिल्टर क्रिएट पैरामीटर, क्रिएट पैरामीटर में पैरामीटर क्लिक होता है। इसमें एक और होता है शो मेंबर डिस्क्राइब, इसमें नहीं है सर ये पैरामीटर, हमने इसको ओके कर दिया। तो अभी इसमें सो हाँ सो पैरामीटर इज पैरामीटर कंट्रोल बेसिकली ऐसे पिछले वर्जन में तो जब मैंने अपडेट नहीं किया था तो ये सेट पे आता था, तो यहाँ पे मैं सो पैरामीटर पैरामीटर कंट्रोल कर दिया। तो यहाँ मुझे सेलेक्ट कर मैं यहीं से फिल्टर लगा सकता हूँ, ठीक है सर। उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा पूरा फिल्टर्ड हो। अब ये आपका डेटा उसी के हिसाब से फिल्टर हो रहा है, ओके ठीक है ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन ये आता है, अब मैं यहाँ से मान लीजिए मैं इसको डिलीट कर, तो जो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे उसका रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग आएगा। ये हमारे जो डैशबोर्ड, अब ये सब करने का तरीका ये है कि ताकि डैशबोर्ड पे अगर मान लीजिए मैं सीट टू का रिपोर्ट लेता हूँ तो मुझे सीट टू के पैरामीटर्स भी यहाँ दिखेंगे, समझ गए? ठीक है जी जी तो ये आपका पैरामीटर सेट होता है, तो पहले आपको सेट क्रिएट करना है उसको पैरामीटर में कन्वर्ट। मैं दोबारा बता दूं, समझ में आ गया? बता दीजिए एक बार। देखिए हम सीट के अंदर में सबसे पहले तो आपने जो भी रिपोर्ट्स है, जैसे मैंने रिपोर्ट प्रोडक्ट वाइज और हमने क्वांटिटी का टोटल लिया हुआ, राइट। उसके बाद मान लीजिए कि हमें प्रोडक्ट ने मुझे सेफ मोड अकॉर्डिंग पैरामीटर सेट चाहिए, मैं जो क्लिक करूँ वहाँ पर बाहर दिखे, तो उसमें आप क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद सेट, और सेट में जो जो आपको जरूरत है, आपको सब जरूरत है तो आप सब ले लीजिए। और यहाँ पे नेम जो देना है नेम दे दीजिए, कंडीशन कोई अप्लाई करना है कंडीशन अप्लाई कर दीजिए, और टॉप वगैरह चाहिए तो टॉप वगैरह भी आप ले सकते हैं, ठीक है जी। अमर फिल्टर की तरह फिर हमें उसको ओके कर दिया, तो सेट हमारा आपके सामने यहाँ दिख रहा है, ठीक है जी। राइट अब मैं इसको राइट क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ, इसमें ऐसे शो आ जाता है लेकिन आप यहाँ पे शो फिल्टर पे क्लिक कर दिया तो यहाँ दिख गया कि ऑल चाहिए या इन चाहिए। ऑल इन इसमें इसमें सारा आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं हमने कोई ऐसा हटाया कंडीशन नहीं दिया। हाँ इसमें देखिए क्या होता है, एडिट सेट पे जाता हूँ, मान लीजिए कि मैं ऑनलाइन और एक्स कस्टमर के सेल को हटा देता हूँ, ओके। अब मैं इसको राइट क्लिक करके आप फिल्टर पे क्लिक करता हूँ तो आ गया। अब देखिए ऑल का रिपोर्ट है, अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ तो कुछ नहीं दिखेगा, मैं बोलता हूँ कि मुझे इन का देखना है या आउट का देखना, ठीक है समझे? कुछ नहीं समझे, जैसे कि अगर हम जी जी समझे, या तो इसमें एग्जिस्ट कस्टमर्स ऑनलाइन दोनों आएंगे, अगर मैंने आउट कर दिया तो हट जाएंगे, ठीक है। इन रखेंगे तो मुझे उसी उसी, उसी दोनों का सेल आएगा। और इसको और अच्छा करने के लिए आप सेल्स मोड को आप जो है प्रोडक्ट के बगल में रख दो, दिख रहा है जी। अब मैं इनको हटा देता हूँ, आउट रखता हूँ, तो इसमें देखिए एग्जिस्ट कस्टमर ऑनलाइन का ही सेल आ रहा है जी। लेकिन अगर ये तो आपका हो गया शो फिल्टर का, मैं इसको तो यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद अगर मैंने इसको सेट कर लिया पैरामीटर, मैंने इसको राइट क्लिक इस पे क्लिक किया, अब इसके हिसाब से मैंने क्रिएट पैरामीटर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे एफिलिएटेड डायरेक्ट एंड रेफरेंस तीन चीज यहाँ पे ऐड है,
ठीक है, और हमने ओके कर दिया। जी और यहां पे हमने बोला शो इन पैरामीटर कंट्रोल, ठीक है। हम जी यहाँ पे डायरेक्ट को, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसको पैरामीटर को, सेट पैरामीटर वन को हमने कोई चीज नहीं। आना चाहिए था इसको तो। मैं इसको उठाता हूँ और उठा के मैं इस पे रख सकता था, लेकिन जा नहीं रहा है। पेजेस पे जा रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा, इस पे नहीं जा रहा। ओके डायरेक्ट का दिख रहा है। अब मैं जो सिलेक्ट करूंगा, एफिलेटेड सिलेक्ट करूंगा तो एफिलेटेड का इसका ये का ये होता है, जब इसमें आप जब पैरामीटर्स को बना देते हैं तो इस तरह से आपको वर्क करेगा। जो आप सिलेक्ट करेंगे रिपोर्ट आपसी को आएगा, उसको आपको एक बार रखना पड़ेगा कॉलम। ठीक मैंने इसको पहले बार यूज किया है सर, क्योंकि ज्यादातर यूज हम करते हैं इसको, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में आगे की चीज पढ़ेंगे। ठीक है सर, ओके।